हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो विषय है वो है संज्ञा। हमने जब हमारे पुराने वीडियो में हमने देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि हम संज्ञा को हमने समझा, संज्ञा के बाद संज्ञा के अलग अलग जो भेद होते हैं उनको समझा। संज्ञा के पांच भेद होते हैं, पांचों भेदों को समझते हुए हम उसके अंतिम भेद पर आ चुके हैं। अंतिम भेद जो संज्ञा का होता है वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब द्रव्य को कुछ लोग लिक्विड से कंपेयर करते हैं, कि द्रव्य को कुछ लोग इंग्लिश के साथ लिक्विड समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आप उन सारी चीजों को ऐड कर सकते हो जिनका उपयोग आप तोलने में या जिसको आप तोल मोल के अंतर्गत यूज करते हो, वो सारी चीजें इसमें आ गई है द्रव्यवाचक में, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैस वाले फॉर्म में, वो तीनों किसी में आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो हम यहाँ पर अगर उसकी डेफिनेशन को समझे तो परिभाषा है जिस संज्ञा से, यदि संज्ञा शब्द से नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है, ठीक है, नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है, जिन शब्दों को नापा या तोला जा सकता है। देखो अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है ना, नापने और तोलने वाली वस्तु है, वो ही वस्तुएं होती है जिन्हें हमें बाजार से खरीद सकते हैं, जिन्हें बेचा जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ईमानदारी, मिठास, बुढ़ापा, जवानी, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, नाम तोल नहीं सकते। इसलिए हमने उन्हें किन कैटेगरीज में डाला था, आपने संज्ञा के पुराने वाले वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा कि हमने भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उनको डाला था, ठीक है। तो जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा शब्द से नाम तोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं हम, सरल शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध, धातु, द्रव्य या पदार्थ, जिसको मैंने अभी आपको साइंटिफिक लैंग्वेज के अंतर्गत बोला था सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में, जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, नाप तोलते हैं ना, या तो नापते हैं या जिस किसी चीज को तोला जाता है, तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। उदाहरण के लिए जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी धातु है, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे तांबा, पीतल, खाने के जितने भी पदार्थ है वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए इसके अंदर काउंटेबल अनकाउंटेबल से मतलब नहीं होता है ना, उनको हम इससे रिलेट नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत से वो चीजें आती हैं जिन्हें तोला या नापा जा सकता है। चावल तोला जा सकता है जिसे आसानी से, घी, तेल, सोना, लोहा, यानी जितने भी मेटल से वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाती है। जितनी भी हमारी उपयोग करने की चीजें हैं जिन्हें हमें नाप के या तोल के हम जिनका उपयोग करते हैं वो सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत सारी चीजें जिन्हें हम नापे या तोले वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी अगर मान लो कि सेंटेंस होता है कि हमने क्या खरीदा, 2 किलो सोना खरीदा या हमने 2 किलो लोहा खरीदा, तो वो 2 किलो लोहा किसके अंतर्गत आ गया। अगर हम सोचे लोहा शब्द अगर अंडरलाइन होगा तो लोहा किसके अंतर्गत आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये था हमारा संज्ञा का अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। हम दूसरे विषय को भी हमारे अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।